जी मेरे सब कैमरे लिनेस ड्राइव पुलिस डिपार्टमेंट ने छोसना दिकार रैली मुनद सौ दुआ टैक्सी यूनियन कारगिल तरफ ना खुआ अस्त दिल शुक्रिया अदा बैत खुज नचा दी खुआसदी प्रोग्राम पे शामिल बस नचा सा दिन फल लगा दि चौगा सफाई अभियान चेक या सफाई जब पे रैली का नचस जब पे इस लद्दाख ला शुक्रिया अदा बैत की कांग्रेस नची सो पब्लिक स्कूल ली फ्रू लदेनो को इनवाइट वास क्यों स्पीफिला और हम खोई का ना गुण खोल गुजारिश बैठ के आइंदा भी खोए नाचंग ला डिटॉक्स अभियान फिर इनवाइट वो ताकि हम भी नाचा संग माशरा सा बे कोशिश बतो अस्सलाम वालेकुम मंजूले। सबसे पहले कारगिल के जितने भी ये स्कूल्स आए हैं आप सब बच्चों का जोश देखकर पुलिस का जोश बढ़ गया। आज जब हमने ये सोचा था कि हम सफाई अभियान शुरू करेंगे हमें नहीं पता था कि हमारे पास इतने बच्चे आ जाएंगे क्योंकि स्कूल्स भी बंद थे। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने सारे बच्चों ने अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स ने सारे जितने भी कारगिल के फिरके हैं सब ने हमारे साथ मिलकर कारगिल को साफ बनाने की कोशिश में आज जो प्रयास किया है जो कोशिश की है ठीक इसको अब हम आगे और ज्यादा कोशिश करेंगे बढ़ाने की दोबारा से एक और अच्छे तरीके से करने की। उसमें मेरी रिक्वेस्ट स्कूल के टीचर से बच्चों से रहेगी कि आप भी अपना क्रिएटिव आइडिया लगाएं बताएं पुलिस कैसे आपके साथ मिलकर ये सब चीजें कर सकती है। ।2022 में हिंदुस्तान को 75 साल हो जाएंगे आजादी को। ये जो आज का स्वच्छता अभियान था ये उसी 75 साल की आजादी के लिए 75 हफ्ते पहले से उस आजादी को मनाने के लिए शुरू किया गया है। गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट इसमें अपना कुछ ना कुछ कार्यक्रम कुछ ना कुछ कोई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट करा रहा है कोई सफाई अभियान करा रहा है। उसी तरीके से पुलिस ने एक बहुत बड़े लेवल पे आर्चरी टूर्नामेंट कराया और आज हमने सबसे बड़ा सफाई अभियान कराया। मुझे लगता है ले करगिल की बात छोड़ो जम्मू कश्मीर छोड़ो नॉर्थ इंडिया में इतना बड़ा सफाई अभियान कभी नहीं हुआ होगा।